हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी अपने गानों को लेकर जितना पॉपुलर हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त वो पाकिस्तानियों की बैंड बजाने को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता होगा जिस पर अदनान सामी का कोई बयान नहीं आता हो। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के कहे जाने वाले अदनान सामी को जब से भारत की नागरिकता मिली है, तभी से वो पाकिस्तानियों की वाट लगाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। दरअसल पाकिस्तान में बुर्का प्रथा को लेकर इन दिनों चर्चाएं जोरों पर हैं। खबरें थी कि इमरान खान के नया पाकिस्तान में स्कूली लड़कियों को बुर्के बांटे जा रहे हैं, जिसे लेकर सिंगर अदनान सामी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पवित्र कुरान में ये कहां कहा गया है कि एक महिला को इस तरह से कवर किया जाना चाहिए? कहीं भी नहीं। यहां तक कि इस्लाम की पवित्रतम तीर्थ यात्रा हज के दौरान भी एक महिला को इस तरह से खुद को ढकने को नहीं कहा जाता है। ये किस इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है? दरअसल उन्होंने इस ट्वीट के जरिए इस्लाम धर्म के बुर्का प्रथा पर सवाल उठाए हैं और उस पर तंज कसा है, जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहा था। लोगों ने भी अदनान को आड़े हाथों लेने में जरा भी देरी नहीं की। कुछ ने उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, वैसे अगर आपने समय को थोड़ा और खोदने और एक सभ्य इंसान की तरह खोज करने का समय लिया है, तो चीजों को ध्यान से पोस्ट करने के बजाय आप जानते होंगे कि ये विवाद पहले ही निरस्त हो चुका है। पहले तथ्यों को जाने बिना पोस्ट करने के लिए आपकी ओर से बहुत अधिक गैर जिम्मेदारी दिखाता है। बताते चले कि इस आदेश को कुछ घंटों बाद ही वापस ले लिया गया था। सोशल मीडिया पर खुद को ट्रोल होते देख अदनान ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वैसे अदनान सामी ने कई मौकों पर भारत के सपोर्ट में बयान दिया है। भारत का सपोर्ट करने पर कई बार उन्हें पाकिस्तानी यूजर्स की ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके वो अपना पक्ष रखने से कभी पीछे नहीं हटे।